तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आया हूँ टाटा मोटर वसुदेव में, जहाँ सूरज नाम है जी, है वो गाड़ी सफारी के बारे में बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो में बने रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें सबसे बड़ा बदलाव आप देखेंगे कि इसमें आपका हैंड ब्रेक है नहीं, ये पार्किंग जो है आपका पुश बटन है, ये हम रिलीज कर दिए ब्रेक, और इसी से जो है ना इसको हम पुल करते हैं जब, तो ये ब्रेक लग जाती है। ठीक है, वहाँ देखिए, वहाँ पे आप साइन आएगा ब्रेक अप्लाइड, जैसे हम ऊपर करते हैं ना, देखिए एमआईडी में आपका। अभी मैंने ब्रेक हटा दिया, ये जब मैंने पुल किया इसे, वहाँ पे शो करता है पार्क ब्रेक अप्लाइड। सिक्स गियर है इसमें, रिवर्स जो है वो पहले तो नॉर्मल था, सिक्स गियर आ गया है, रिवर्स फर्स्ट गियर की जगह पे इसको पुल करके फर्स्ट गियर लगाते हैं जी सर। तीन तरह का मोड है, वेट मोड, रफ रोड, वहाँ देखिए सर रफ रोड, वेट रोड। ठीक है, यहाँ पे हिल कंट्रोल है, ये देख सकते हैं आप, एसडीसी टर्न ऑन, हिल डिसेंट कंट्रोल जो है ये है, और यहाँ से हम इसे ऑफ कर देंगे ESP सिस्टम, ये हिल के लिए जी सर। हाँ, ये ESP यहाँ से ऑन ऑफ होता है, मतलब ये तरह का फोर व्हील ड्राइव गाड़ी है, हिल के लिए भी कहीं भी यूज कीजिए। जी सर, पुराने वाला में तो ऐसा ही सिस्टम नहीं था। पुराना तो अभी था कि वो फोर व्हील का ड्राइव ही टाइप में चलता था जी सर, कहीं भी जा सकते थे। यहाँ पे आपका सनरूफ देता है, ये पहले तो सनरूफ था ही नहीं, ये आपको सनरूफ मिल गया, यहाँ पे कंट्रोल है सनरूफ पे। सनरूफ जो है इतना ही खुलता है, इससे आगे वो नहीं खुलता। ठीक है, डिस्प्ले साइज इसका 8 इंचेस का है, तो मुझे एक्चुअली देखना पड़ेगा। एप्पल यहाँ से एडजस्ट करने का दिया हुआ, क्योंकि ये जो गाड़ी है ना, ये प्रीमियम लेवल की गाड़ी है, जो मालिक होंगे वो तो आगे बैठेंगे नहीं, यहाँ पे तो या फिर जो भी साथ में होंगे, ड्राइवर होंगे या फिर को ड्राइवर होंगे, ऑनर तो पीछे बैठेंगे, तो अपने लेग स्पेस के हिसाब से वो अपने खुद से ही इस सीट को जो है एडजस्ट कर सकते हैं, वो अपने हाथ से कर सकते हैं, मतलब किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि आप आगे चलो भाई, आगे घसको, ये चीज़ नहीं है। इसके स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्पोर्ट्स मोड है, EPS एक्चुअली मैंने स्विच ऑफ किया इसलिए वो आ रहा है। यहाँ से आप स्पोर्ट्स मोड पर कर सकते हैं, ये नॉर्मल, ये इकॉनमी मोड है, ये जो है ना इकॉनमी मोड है, ये स्पोर्ट्स मोड है, और एक सिटी देती है आपको, एक सिटी मोड मैंने दिखा दिया हुआ है यहाँ पे, ये चीज़ ये है। ये भी सॉफ्ट है, हाँ ये बिल्कुल सॉफ्ट है, एंटी रिफ्लेक्टिंग होता है, नेपे ग्रीन लेयर बोलते हैं। कूल बॉक्सेस,
ये आपको अच्छा स्पेस मिलता है, कूल बॉक्स देता है। देख के नहीं समझ यहाँ पे चल रहा है ना, 10 से 15 मिनट केवल चल रही है। हाँ, ब्लूटूथ की जितनी भी कनेक्टिविटी है, क्रूज कंट्रोल है, हर कुछ आपके स्टीयरिंग पे दिया हुआ है। कंप्लीटली गाड़ी चेंज है, अंदर का जो कंफर्ट है, जो लग्जरी जो फील देता है, ये डीएट प्लेटफॉर्म है लैंड रोवर वाले, वो आपको कन्वीनियंट जो है ना वहाँ का मिल रहा है। ये बस आपको फिएट का इंजन लगा हुआ है, जो कि आपको ये बना रही है टाटा की कार है। मैकेनिज्म से लेकर के कंप्लीटली ये चेंज हो गया है। गेट के होल्डर रोवर सब चेंज है पुराने सफारी से। एक्चुअली सर, पुरानी जो सफारी थी ना वो नॉर्मल थी, मतलब कि हाँ, मतलब कि सफारी है, लग्जरी उसमें फील नहीं आता था, बट ये जो है ना लग्जरी फील देता है आपको। JBL के आपको बिल्डिंग मिल जाएगी, ये देखिए यहाँ पे सभी गेट में लगा हुआ JBL का स्पीकर। तो गाइस ये देखिए डोर की फिनिशिंग पहले सफारी से बहुत ही अलग है। यहाँ पे दिया गया है चारों विंडो के कंट्रोल, यहाँ पे एडजस्टेबल, और यहाँ पे देखिए ये लाइट दिया हुआ है, और बैक साइड का भी आपको यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल बहुत ही सॉफ्ट है। ये यहाँ पे देख रहे सिल्वर कलर का ये दिया है लॉक खोलने के लिए, गेट ऑन लॉक। यहाँ पे स्पीकर है, एक बोतल होल्डर, और गाड़ी का भी बहुत ही अच्छा है स्पेस। साइड से इधर देखिए ये फ्यूल टैंक है, तो आप देख सकते हैं पीछे डीआर लाइट जो दिया गया है वो पूरा हैरियर टाइप में ही आपको दिखेगा ये लाइट। बैक साइड से आप देख सकते हैं इधर ऐसा है, और ये सफारी की बैजिंग, यहाँ पे सफारी की बैजिंग है। यहाँ पे देखिए स्पॉइलर दिया हुआ है, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और यहाँ पे देखिए वाशर दिया हुआ है, यहाँ पे वाशर, ये वाइपर, LED हेडलैम्प है। ये आप पहले से कुछ कंपैरिजन है ही नहीं, यहाँ पे जो ग्रिल है बिल्कुल डिफरेंट ग्रिल मिला हुआ है इस पर। हेडलाइट जो है दो चेंबर दिया हुआ है इस पर, एक फॉग लैम्प है, ये DRL है। पहले क्या था, बस हेडलाइट था नॉर्मल हैलोजन। ऑटोमेटिक आपका ये दिया हुआ है पियानो ब्लैक के फिनिशिंग में, इसका जो आप देख रहे हैं ना ORVM जो है वो पियानो ब्लैक फिनिशिंग में दिया हुआ है ये। जी 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 सर, टायर 18 इंचेस का डायमंड कट है। जी सर, डायमंड कट। इसको अगर फोल्ड करते हैं अपना 447 लीटर का है। इसको अगर फोल्ड करते हैं 447 लीटर का। हाँ, कितने लीटर का भी ये 447 का हो गया अभी। हाँ, अगर हम उसको भी गिराते हैं ना देन वो 910 का हो जाएगा। यहाँ पे गाड़ी का सब कुछ है, इसके स्टेपनी का नीचे ये AC का कंट्रोल दिया हुआ है। यहाँ पे आपका USB मोबाइल चार्जिंग का जो है सॉकेट दिया हुआ है, USB इसमें हम जैसे 5 सीटर मंगाना चाहते हैं तो और 6 सीटर कितनी इसकी सीटें हैं? 6 सीटर। हां, 6 या फिर 7 5 में।
तो आप लोग देखें यहाँ पे स्टेपनी दिया गया है सफारी का, यहाँ पे दो सेंसर है पीछे, वहाँ पे सेंसर दिया गया है, यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, सिर्फ हाथ से ही आपको बहुत कुछ करना है, नॉर्मल ही आपको करना है, बस डाउन यहाँ पे भी एक लाइट दिया गया है देखोगर, तो यहाँ पे भी एक साइड में दिया गया, लेफ्ट साइड में भी गेट में आपको दोनों साइड ये सेंसर मिल जाते हैं गेट खोलने के लिए, यहाँ पे देख रहे सेंसर दोनों साइड में आप सेंसर तो देख सकते हैं, ये जो है एलईडी बहुत ही सुंदर दिख रही है। तो आगे का आप DRL भी यहाँ पे देखते थे, पूरा टाटा हैरियर जैसा ही लुक है आगे से, अगर आप लोग देखेंगे तो आगे से तो आपको पूरा टाटा हैरियर ही टाइप में दिखेगा, लगेगा कि नहीं कि सफारी खड़ा है कि टाटा हैरियर, लेकिन वो साइड टाटा हैरियर खड़ा हुआ है, तो सेम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टाटा की गाड़ी खड़ी हुई है सफारी। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, एक हेलोजन बल्ब है, एक हाई बीम है, ये फॉग लैंप है, फॉग लैंप दिया गया है यहाँ पे, क्रोम की फिनिशिंग पूरा दिया हुआ है यहाँ पे, पूरा क्रोम है। तो भाई आगे का इंजन भी आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कितना शीशी का है ये, तो ये देखिए यहाँ भी बैजिंग दिया गया है कोरिया का, और ये बैटरी सिस्टम है, ये इंजन में भी चेंजिंग बहुत है। तो सूरज जी ये बताइए ये कितना सीसी का इंजन है? 2000। ये 2000 सीसी का इंजन, माइलेज कितनी प्रोवाइड करती है? कंपनी जो क्लेम करती है वो 17 का है जी, ऐसा आपको 13-14 की माइलेज जो है एक्यूरेट जो है वो देगी। BS6 मॉडल है ये जी सर। तो इसमें सिर्फ डीजल ही क्या ऑप्शन दिया गया इसी का? सिर्फ डीजल का ऑप्शन है कि पेट्रोल का भी है? पेट्रोल का नहीं है बस की सिर्फ डीजल जी सर। तो गाइस सिर्फ डीजल का ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को सफारी। तो ये देखिए कितना पावर मिलता है सर? 170 PS का पावर मिलता है। 170 PS का पावर इसमें मिलता है आपको, प्रोवाइड किया जा रहा है ये सफारी में। और टाटा की ब्रांडिंग तो आप लोग जान ही रहे, टाटा जब से हैरियर आई है तब से बहुत ही बिल्ड क्वालिटी में आ गए हैं। फ्यूल टैंक जो है इसका वो 50 लीटर का है। और ये 6 सीटर है, 7 सीटर? हाँ ये 6 सीटर है, इसमें 7 सीटर भी आता है। प्राइस क्या पड़ जाएगा? सर अभी तक तो प्राइस वैसा आई नहीं है, बट जैसा कि बात चल रहा है कि 16 लाख से एक शोरूम प्राइस जो स्टार्टिंग है उसका, और 21.5 लाख तक वो जाएगी। 7 सीटर का क्या प्राइसिंग पड़ेगा? वही लगभग पड़ेगा आपको। हाँ दोनों थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है, क्योंकि अभी तक कम्प्लीटली जो प्राइस है वो रिवील हुआ नहीं है, वो 22nd को आएगी ऑफ फेब। तो ये हमारे कस्टमर जो है वो बुक कर सकते हैं गाड़ी? हाँ हाँ, गाड़ी की जो बुकिंग है करीब करीब 1 महीने से चल रही है। हाँ अभी मोर देन 60 बुकिंग्स हो चुके हैं हमारे यहाँ। तो ये एड्रेस क्या है आप बता दीजिए? बरियातू, रांची बरियातू, नियर रिलायंस फ्रेस, वासुदेव मोटर्स। विजिट कर सकते हैं सूरज के साथ, और ये आप पूरा डिटेल बता देंगे क्या है क्या नहीं है, फाइनेंस की सुविधा हो जाएगी सर? हाँ सर सब कुछ अवेलेबल है, हो जाएगी, आप बाहर से आइए चाहे कहीं से भी आइए, सब हो जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की बैंजिंग मिल जाएगी सफारी के, यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग में छत के ऊपर, ये भी देख सकते हार्ड है, दोनों साइड में आप लोग प्रोवाइड किया जाएगा। इसके तो मिरर जो है बहुत बड़े हैं, पहले वाली सफारी से तो बहुत बड़े, वाइपर सेट से। ये देखिए टाटा सफारी की चाबी है, आगे टाटा की लॉबिंग, तो टाटा की ये बेजिंग है, और यहाँ पे आपको दिया गया है, ये देखिए अनलॉक है, ये बूट ओपन के लिए दिया, बूट ओपन के लिए, ये लॉक के लिए, ये फॉग लैंप, कभी कहीं भी पार्किंग में मान लीजिए लगा हुआ है कहीं, तो ये आप करके गाड़ी भी कहीं भी खड़े रहेंगे तो हो जाएगा।
दिख जाएगी आपको कि कहाँ पे है वो कार। ये दो चाबी दी गई है, टाटा सफारी की है, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है, बड़ी सी छोड़ी आप देखिए बहुत खूबसूरत दिख रही है। तो गाइस अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें।